आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे जो कि ना राजा था ना ही कोई अधिकारी था, लेकिन उसका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिक्का पूजता था और उनका इतना दबदबा था कि यहाँ पर सालाबाद में ट्रेन भी बिना स्टेशन के रुकती थी। तो आगे हम उनके परिवार से बात करेंगे। आज हम आए हैं निहाल सिंह जी के गांव में जो सालाबाद है, यहाँ पर उनके परिवार से ही हैं, उनसे हम मिलते हैं आज। राम राम जी, राम राम साहब। उनके पोते हैं ना जी हाँ आप, जी, मैं नाती हूँ उनसे उनके। मिलते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी हमारे ऑडियंस को हम सुनाते हैं, इनसे इनके द्वारा बताते हैं हम। हाँ जी, अब बताओ आप उनके पर तो पोते हो हमारे हमारे बाबा साहब थे, जी करीब 80 वर्ष पहले की की बात है बात होगी शायद, जी। थोड़ा बहुत कमती बढ़ती हूँ। हाँ जी उनमें क्या है कि कुछ ऐसे संस्कार मानो या कुछ ऐसे वो मानो उनके अच्छे, जी उनकी वो थी, कुछ किस्मत वाले थे। जी ऐसा जी कोई राजनीतिक पदवी नहीं था, जी राजा महाराजाओं से अच्छी वो थी उनकी। जी आते थे तो यहाँ कुछ खर्चा खराबी करते थे, जैसे कोई सरकार के नुमाइंदा अगर आते थे तो जी वो, जी उन्होंने अपनी वो बना रखी, जी तो उनका खर्चा पानी से उनके उससे कुछ नहीं, जमीन जायदाद थी अच्छी थी, हाँ जी हजार अच्छे आठ सौ सात मतलब सौ उससे बीघे थे, जमीन थी। जमींदारा सिस्टम अच्छा था हाँ, उनका, हजार जमीन जायदाद हजार का 1500 बीघे जमीन थी। 1500 बीघा। हाँ, तो जी पहले आदमी की ज़्यादा जरूरत थी, जमीन की कम जरूरत कम थी। जरूरत थी जी, तो क्योंकि उन्होंने, जनसंख्या। हाँ, हमारे ये नंगलाय जाटों का वो बसाए उन्होंने ही, उनके लिए कुछ 500-400 बीघे जमीन यहाँ दी। जी कुछ फाटक के पास में हमारे नंगला भाण, हमारे गोती भाई थे कसाने, जी जी तो उनके लिए 500-700 बीघे जमीन वहाँ दी, जो उधर वो गांव है गांव भांडन नगड़ा। भाणन नंगला, जी वो बसाया था। हमारे गोती भाई हैं, गांव तो नंगला भाण के नाम से ही जानते हैं उनको, है हाँ गुजर जी तो कसाने। तो पहले आदमी की जरूरत थी, इस वजह से उन्होंने, अकेले थे जी पिता, बाबा साहब मेरे चार भाई थे, चार भाई थे जी। और चार भाइयों में दो एक माँ के थे, दो जी एक माँ के थे, पिताजी एक तो थे, दो माँ थी दो उनकी। माँ थे बाबा जी साहब। उनके पिताजी का क्या नाम था, निहाल सिंह जी का? भरती भरती जी। जी, जी अब क्या हुआ साहब, को उनके कुछ जमीन जायदाद का क्या पता। आपसे कुछ हाँ, होगा आपस जी। में भाई ने कुछ, एक छोटे भाई थे, हाँ जी उन्होंने उनको गोली मार दी। उन्होंने, बताते हैं हम तो सुना हाँ है जी जो भी है। कि छोटे भाई ने, उन्होंने उनको एक्सपायर किया था। तो वैसे ऐसी कोई बात थी नहीं, हाँ जी हमें अभी तक मालूम नहीं पड़ी इस चीज़ की कि क्यों, क्या बात थी, क्या क्यों, रहस्य था, क्या कैसे रहस्य, मारा क्यों उन्होंने। मारा हाँ उनको, जी हाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। जी उन्होंने, आते थे सरकार के कोई नुमाइंदा यहाँ, तो वो अच्छा उनके लिए खर्चा पानी सब चीज़ व्यवस्था, जैसे आदमी थे खाने पीने वाले, उनको सबको व्यवस्था उसी तरह से करते थे वो। हाँ जी मतलब जो भी आता था हाँ, उसकी बढ़िया उसकी मान जैसी सम्मान रखते मान थे। सम्मान अच्छा रखते थे वो। कुछ लोग तो ऐसे भी बताते हैं कि जैसे महाराजा थे भरतपुर के, उनसे अच्छी हाँ, दोस्ती थी अच्छे उनकी। अच्छे दोस्ती थी उनकी, वो आते थे जी शिकार खेलने हमारे यहाँ, इस जगह पे हम बैठे हैं होटल जी जसवंत होटल पर बैठे हैं यहाँ पर हम, जी जी तो यहाँ पर ये आते थे, और यहीं पहले होटल नहीं थी, ये जमीन थी यहाँ, तो पहले यहाँ जंगल पानी था पानी भरा रहता था, जी, तो शिकार खेलने का अच्छा शौक था यहाँ पर। हमारे झील कैला देवी, ये कैला देवी की अच्छी झील। वो थी यहाँ पर, पानी भरा, जल मुर्गा भी वगैरह वो आते थे यहाँ जी पर, तो शिकार खेलने महाराजा भी आते थे, इधर से हमारे वो बाबा साहब भी बाबा साहब भी आते थे, आते थे, हमारे पिताजी छोटे छोटे से थे वो साथ में, वो भी आते थे वो उस भी टाइम आते में। थे। हाँ जी हाँ, तो धीरे धीरे करके, रेलवे स्टेशन तो था ही नहीं। था ही नहीं पहले, यूँ हाँ, बताते हैं, हमने सुना भी है कुछ लोग कि यहाँ पर जो ट्रेन आती थी तो हवेली पे थे, वो आवाज़ लगा दे तो जब तक वो नहीं आते थे तब तक रुकती थी नहीं, ट्रेन। हवेली मकान था हमारा, पहले गांव में कच्चे मकान थे हाँ वो, तो जी काफी 2 मंजिल मकान था, हाँ जी और इतना बढ़िया मकान है हाँ जी आज की तारीख में तो वो बिल्कुल नहीं, मान लो कोई रहता ही नहीं उस मकान में। हाँ जी, क्योंकि परिवार लंबा चौड़ा हो गया हाँ, तो सब सब ने इधर अलग उधर। अलग हाँ बना लिया, सारे निकल जी गए। तो अगर कहीं जाना था उनको,
हाँ जी, जैसे अगर कोटा या बंबई या कहीं, हाँ जी, गंगापुर वगैरह, तो एक आदमी मकान के ऊपर खड़ा कर देते थे। हाँ जी, और वहीं से आवाज लगा देते। आवाज नहीं, वो जैसे वो झंडी दिखाते हैं ना, हाँ जी, इस तरह से उनको वो, अच्छा, जैसे दिखा देते। ड्राइवर 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 देख के जाता था इधर, उनको मालूम पड़ जाए कि हाँ पटेल साहब कहीं जा रहे हैं, तो जैसे ही वो आदमी की वो झंडी दिखती उनको, जैसे स्वापी वगैरह इशारा कर देते, जैसे ही ड्राइवर गाड़ी रोक लेता था, और रुक जाते बाबू साहब जाते, और जाके सीधे, जैसे पहले कुछ घी का व्यापार भी था, हाँ जी, हाँ, देसी घी का बता देते कुछ, हाँ जी, ऐसा भी बता रहे, तो घी लेके जाते होंगे, हाँ, तो जाते होंगे शायद, हाँ, देखो शायद, हाँ, पता नहीं, पर ऐसे ही सुनने में आती है कि घी जैसे रखते थे 10-20 पीपा यहाँ से, या 50-40 पीपा घी का, भैंसों का उनका अच्छा काम था, हाँ जी, कई 10-20 आदमी लगे रहते थे, काफी घोड़ा घोड़ी उनका अच्छा काम था, हाँ, तो वो रहते थे साथ में ही, घी रख देते, जैसे कहीं जाना, कोटा जाना है, बम्बई जाना, कहीं जाना है, क्यों, कोयले वाले इंजन थे पहले, हाँ जी, वो कोयला, हाँ, वाले, कोयला वाले इंजन, हाँ, थे, तो वो जब तक वो नहीं जाते थे, तो जब तक बाबा साहब वहाँ गाड़ी ट्रेन खड़ी ट्रेन रहती खड़ी थी, 10 मिनट हो 15 मिनट हो, इसी वजह से वो अच्छे, उसी वजह से वहाँ धीरे 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 रुकते रुकते आज स्टेशन बन गया उसी उन्हीं के नाम पर, नाम गांव के नाम से सालाबाद, सालाबाद के नाम से, पिताजी और हमारे, मेरी चार दादी थी, जी जी, दोन की संतान नहीं थी, दोन के थे मेरे पिताजी और चार थे, हाँ जी, और एक माँ के एक मेरी बुआ थी और एक और थी, हाँ, दो थी, एक चाचा थे मेरे, जी, दोन के संतान थे हमारे, तो उनके चारों भाई पिताजी और थे हमारे, चारों भाई सरपंच थे, सरपंच थे, हाँ जी, चारों भाई सरपंच हो लिए, और बड़े सरपंच साहब थे उदयवान सिंह जी, जी, उन्होंने रेलवे स्टेशन का फिर कह के, जगन्नाथ पाड़िया जी थे उस टाइम पर मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर, तो कह के रेलवे स्टेशन का उन्होंने ही जब ही रुकवाया था वहाँ से, जब ये बनाया उन्होंने, हाँ, जब ही रेलवे स्टेशन उन्हीं के उससे हुआ था, उदयवान जी उनके बच्चे थे, हाँ, बड़े बड़े उदयवान सिंह जी, उनसे छोटे नरंजन सिंह जी से, नरंजन सिंह वो पंचायत स्टेशन से पहले ऐसे ही रुकती थी ट्रेन, हाँ, बिना स्टेशन के, बिना स्टेशन के रुकती थी, जब जैसे जरूरत थी, हाँ, रुकने की, जब रुकती थी, हाँ, नहीं, वैसे नहीं, वैसे, वैसे वैसे ड्राइवर देख के जाते थे कि अगर कोई पटेल साहब अगर जा रहे हों, जा रहे हों तो रोकें, और नहीं तो चले जाते थे, हाँ, जब उन्हें सारा मिल जाता, हाँ, इधर से कोई झंडी का हवेली पे से, तो रुक जाते, हाँ, रुक जाते, नहीं मिलता था वो चले जाते, देखता जरूर, हाँ, था। तीसरे नंबर के मेरे पिताजी थे जसवंत सिंह, हाँ, वो भी सरपंच थे, हाँ, और छोटे जगन्नाथ सिंह वो सज्जन सरपंच थे, जो भरतपुर रहते हैं, निहाल पैलेस के नाम से ही होटल है भरतपुर में, और बयाना रहते हैं, उनका एक बच्चा सुभाष जो बयाना रहता है जी, एक डॉक्टर जो रूस वहाँ डॉक्टर रहता है उनका, एक उनके पास घोड़ी थी कोई, एक घोड़ी नहीं, घोड़ी तो 20 घोड़ी थी साहब जी, तो एक घोड़ी थी जो वो ट्रेन के साथ में ही दौड़ती थी, एक घोड़ी थी वो ट्रेन के साथ में, जैसे 10-20 किलोमीटर, जैसे बाई दे ट्रेन निकल जाती तो साइड में उसके जाते थे और ट्रेन को पकड़ा देती आगे जाकर, कमाल की घोड़ी थी, वह अच्छी घोड़ी थी, स्टेशन से लेके घर आती थी वही, हाँ वही लेके आती थी, वही जाते थे, कई किस्से हैं, बहुत लंबे किस्से हैं उनके, एक बार ट्रेन रुकी तो यहाँ रेलवे वालों को उनको इसका वो हुआ कि कौन आदमी ऐसा उनके ऊपर कोई, हाँ, केस, नए आदमी, हाँ, हो सकता है उनके ऊपर केस है, वह बन के ऐसा कैसा आदमी उनके बिना स्टेशन के ट्रेन रुकी थी जी, तो वहाँ ने कोई यहाँ उनके लिए कोई सम्मान वगैरह भेज दिए, वहाँ से फोर्स, यहाँ की पुलिस कोई मालूम है उनके, तो यहाँ की कोई पुलिस तो कुछ कहती नहीं थी, तो बाहर से पुलिस फोर्स आई जी, पहले उन्होंने सम्मन भेज दिया यहाँ पर जी, तो रेलवे ट्रेन से ही आई थी, स्टेशन पर ही वहीं उतरी ट्रेन, गांव के सीध पर ही वहाँ रुकती थी पहले जी, और वहाँ से सीधे उनको मालूम पड़ गया कि आज आ रहे हैं वो जी, पुलिस आ रही है और गिरफ्तार करने, तो वो कहीं नहीं गए थे जी, 100-200-500 आदमी आए थे, वो बताते हैं, तो उन्होंने ठेठ रेलवे लाइन से और ठेठ मकान तक मखमल और वो बिछवा दी स्वागत के लिए उनके,
और घर पे पहले बहुत कम थी कुर्सी वगैरह ऐसी तो कम हाँ, थी पहले सक्षम हाँ, लोग कम थे हाँ, खाट और बिस्तर और वगैरह अच्छे वो व्यवस्था रखी उनकी, खाने पीने की जैसे खाने पीने वाले जैसे जैसा कोई खाना पीना खाए वैसे ऐसे अलग से सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करवा दे। आदमी 10-20 लग गए, खुद थे वहीं उन्हीं के साथ में जी। आके अधिकारी वगैरह वो सब आए थे, मन के निहाल सिंह जी कहाँ हैं उनको बताओ, भाई साहब आप खाना पीना खाओ बैठो आराम से और आपके लिए सब व्यवस्था हो जाएगी और वो भी आ जाएंगे आपके पास में, और वो साथ में ही थे उन्हीं में लग रही व्यवस्था में उनके में हाँ, लेकिन वो जानते नहीं थे हाँ जानते नहीं थे वो तो सारी व्यवस्था हो गई उनकी बन के। अब तो भाई बुलवा दो उनको कहाँ पे, अभी जाते हैं साहब, अभी बुलवा के जाते। अंदर गए वो अंदर जाके अपने जो राजा महाराजा उनकी जो बर्दस्ती हाँ जी ड्रेस चेंज करके अपनी पगड़ी वगड़ी बांध के हाँ जी, और उनके सामने मन के हुजूर मैं ही हूँ निहाल सिंह बताओ आप, मन आप ही हो आपके मन के इस तरह से कहते हैं कि आप न्यू वो है बदमाश हैं ये करते हैं हाँ। अब देख लो साहब मैं जैसा हूँ जो आपके सामने हूँ हाँ, साधारण आदमी हाँ, हाँ तो वहीं पर उनको सम्मन वम्मन फार के सारे वहीं से चले गए, मन कुछ नहीं और वहीं से उनका जो प्यार हाँ, सम्मान सम्मान देख के हाँ बहुत अच्छा वो था उनका व्यवहार हाँ जी अच्छा था, ऐसे कोई बात नहीं थी। कई जगह अपने गांव में भी पूछा है, गांव में भी कहीं भी हमारे कहीं भी भरतपुर जिले में आसपास जिले में कहीं भी नाम से ही प्रसिद्ध है ये उनके जीवनी साहब। और बहुत किस्से हैं देखो, हम तो ये दो चार किस्से हमने तो जो आपको सुना है हमने तो वो सुन रखे हैं, वैसे और कोई ऐसी आपके ही है या होटल दोनों यहाँ हाँ यहाँ हमारे ही ये यहाँ पर ये जसवंत मेरे पापा के नाम से एक्सपायर हुए जी, ये पापा के नाम से वो माँ दुर्गे के नाम से एक छोटे भाई ने खोल रखा है, और भरतपुर में बाबा के नाम से निहाल पैलेस के नाम से बयाना मकान है, भरतपुर मकान है, सब उनके सब अलग अलग अपने क्रेशर वगैरह सबके अपने धंधे अलग अलग हैं सारे जी जी, बच्चे अब नौकर रह गए कुछ अब हाँ जी, जमीन जा जाता लगने लगे, जमीन भी कम हो गई धीरे धीरे, जमीन भी कम है गई साहब, अभी परिवार बढ़ता है तो जमीन अभी 500-700 बीघे जमीन अभी है जी जी, 500-700 बीघे जमीन है अभी, पिताजी हमारे 5 भाई हैं उन पर 100-125 बीघे कुछ और अलग खरीद लिए जमीन हाँ जी, और कुछ है ये साहब। देखो ये वही स्टेशन है जो ये झंडी जो दिखा रहे हैं, पहले निहाल सिंह गुजर के मकान से झंडी दिखाते थे, उसी में एक एक घंटे यहाँ पर ट्रेन रुका करती थी, आज भी यहाँ हॉर्न मार के जाती है।